आज आपको मैं कुछ ये जो मेजरिंग टेप है उसके अंदर हम को कुछ पोजीशन ऐसी आती हैं जहाँ पे कि आपको इस तरीके से लकड़ी को या किसी भी चीज़ को नापना होता है, जहाँ आप पूरा का पूरा ये मेजरिंग टेप किसी जगह अंदर रख देते हैं। क्योंकि मेरी कुछ वीडियो होंगी जिसमें आप ये देखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ ताकि आपका वक्त ना जाया हो। उस वक्त ये एक लकड़ी है, आप देख रहे हैं इसको, मैंने बिल्कुल इसकी हाइट आपको कितनी नज़र आ रही है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 8.5 इंच, 8.5 इंच की। लेकिन ये 8.5 इंच की नहीं है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है वो कि आप ज़रा इसको यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ लिखा हुआ होगा 3.5 इंच ऐड करने का, इसमें इसमें लिखा हुआ आ रहा है आपको 3.5 इंच। तो इसको हम यहाँ पे जब इस तरह रखते हैं, तो आपको बताया था कि ये 8.5 इंच, अब 3.5 इंच जब आप इसको मिलाएंगे तो ये 8, 9, 10, 11, ये 12 इंच की जो है लकड़ी का पीस हो गया। तो ये ऑप्शन जो है इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसके अंदर अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर इसमें इन्होंने 3 इंच लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी हाइट होगी उसको 3 इंच ऐड करना होगा, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है 3 1/8 इंच। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो भी रीडिंग इससे आएगी जब आप इसको इस तरह करके रख देंगे तो, या यूं करके रख देंगे, तो जो भी रीडिंग आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें जगह नहीं होती, किसी चीज़ के अंदर रखनी चाहिए होती है आपको, तो ऐसे मौके पे जो है आपको रीडिंग इस तरह लेनी होती है, और इसके अंदर जो मेजरमेंट इसके ऊपर लिखी है उसको उस रीडिंग में ऐड करना होता है। अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। अच्छा, अब मुझे इस दराज को नापना है बिल्कुल एक्यूरेट, अंदर से इस हिस्से से, यहाँ से लेके और यहाँ तक नापना है मुझे इसके अंदर का हिस्सा। मिसाल के तौर पे इस वक्त तो हम इसको यूं करके भी नाप सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इसके अंदर रखेंगे ऐसे करके, और ये आप इसको जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है ये देखें, 40.5 इंच आपको इसकी रीडिंग आ रही है। 40.5 इंच के बाद आप 3.5 इंच इसको ऐड कर देंगे तो इसकी आपको एक्यूरेट जो है रीडिंग पता चल गई। अब आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये 8.5 है। ये एक आपको एक रेड रंग का ये रेड पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये रेड पॉइंट इसका कैलकुलेट करने का, यानी आपको मेजरमेंट का पॉइंट होता है, इससे आपको पॉइंट करना होता है। शुक्रिया।